जिनका तीसरा नेत्र खुल जाता है उनकी निशानी क्या होगी? कैसे पता चले कि मेरा तीसरा नेत्र खुल गया है, उनकी निशानी क्या होगी? बाबा कहते हैं ना, चेहरे और नयन से आपकी जो अंदर की जो है वो सब स्पष्ट दिखाई देती है, फिर वो आप जैसे एक स्वरूप बन जाते हो। स्वरूप बन जाते हैं। और बलिहार जाएंगे और वो बार बार गिरेंगे नहीं। बार बार गिरेंगे नहीं, बहुत बढ़िया। आज बाबा ने तीन निशानियां बताई हैं। देखो, भक्ति मार्ग में या दुनिया में जो योगा कराते हैं वो कहते हैं कुंडलिनी जागृत हो गई है ना, वो नीचे से ऊपर तक ले जाते हैं, लेकिन हमारी तो शुरुआत ही ऊपर से होती है ना, हमारी तो शुरुआत ही ऊपर से होती है, ऊपर से और सुप्रीम से हम कनेक्ट होते हैं। तो बाबा उसी को, आत्मा को ही चार्ज करता है ना, उस आत्मा के चार्ज होने से फिर पूरे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। तो हमारा तीसरा नेत्र खुल गया है, जिनका तीसरा नेत्र खुल गया उनके तीन निशानी बाबा ने बताई। पहला, उनको अच्छी रीति धारणा होगी, ज्ञान सुनेंगे लेकिन जीवन में वो धारण होगा। दूसरा बाबा ने कहा, उनकी चलन दैवी चलन होगी। तीसरा बाबा ने कहा, वो माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, अर्थात हार नहीं खाएंगे। तो निशानी है, अब हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि हमारा तीसरा नेत्र पूरा खुला है या नहीं खुला। हमारा तपस्या का स्वरूप कौन सा है भक्ति मार्ग में? भक्ति मार्ग का, भक्ति मार्ग में कौन सा तपस्या का स्वरूप हमारा दिखाया है? शंकर, शंकर जी का ना। तो वहां बताते ना, शंकर जी की तीसरी आंख खुली, तो वो तो कहते महाविनाश हुआ, लेकिन बाबा ने बताया हमारी तीसरी आंख खुलती है, अर्थात पूरा नेत्र खुलता है, उसकी ये तीन निशानियां है। ये परिवर्तन आत्मा में आता है। तो अभी हम बाबा से महावाक्य सुनेंगे। आज 17 तारीख के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, तुम्हें घर बैठे भगवान बाप मिला है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है, तो तुम्हें अपार खुशी में रहना है। विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है, विकारों के वश खुशी को दबा नहीं देना है। प्रश्न है, तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? तुम बच्चों में लकी किसको कहेंगे और अनलकी किसको कहेंगे? उत्तर, आज मुझे जल्दी खत्म करना है 8 बजे तक। उत्तर, लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं। लकी वह है जो बहुतों को आप समान बनाने की सेवा करते हैं, सबको सुख देते और अनलकी वह है। क्या कहा होगा बाबा ने? और अनलकी वह है जो सिर्फ सोते और खाते हैं, जो सिर्फ सोते और खाते हैं, एक दो को दुख देते रहते हैं, पुरुषार्थ में कमी होने से ही
अनलकी बन जाते हैं। पुरुषार्थ में कमी होने से ही अनलकी बन जाते हैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, जिन बच्चों के तीसरे नेत्र का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है, उनकी निशानी क्या होगी? तो हम कहाँ बैठे हैं अभी? अभी तो दीदी आपने बता दिया इसका पूरा ऑपरेशन थिएटर में है ना, इसका उत्तर तो आपने शुरू में बता दिया। बाबा अभी हमारा क्या कर रहा है, बाबा क्या कर रहा है, ऑपरेशन कर रहा है ना हमारा, तो वो सर्जन है। तो बाबा कहते हैं जिन बच्चों का ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तीसरे नेत्र का, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वह माया के तूफानों में घड़ी घड़ी गिरेंगे नहीं, ठोकरे नहीं खाएंगे। ग्राफ कैसा होगा, कभी हार कभी जीत, कभी स्थिति अच्छी कभी ऐसे। तो बाबा कहते ऐसा नहीं, ऊपर वाली लाइन जा रही है, आगे बढ़ रहे हैं, उनकी दैवी चलन होगी और तीसरा धारणा अच्छी होगी। अच्छा, गीत है, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, इस धरती पर आ जा रहे। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, वह ऐसे भी कह सकते हैं कि गीता के भगवान शिव भगवान उवाच। गीता का नाम लिया जाता है क्योंकि गीता को ही खंडन किया गया है। सारा मदार इस पर है कि गीता श्री कृष्ण साकार देवता ने नहीं गाई है, अर्थात श्री कृष्ण ने राजयोग नहीं सिखाया है, वह श्री कृष्ण द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई है। श्री कृष्ण को निराकार भगवान तो नहीं कह सकते, श्री कृष्ण का चित्र ही अलग है, शिव बाबा का चित्र ही अलग है। आज बाबा अंतर बता रहे, शिव और कृष्ण में अंतर। निराकार का रूप अलग है, वह है परमात्मा, उनका कोई शरीर नहीं है। पुकारते ही है, हे भगवान रूप बदल कर आओ। वह कोई जानवर का रूप तो नहीं रखेगा, मनुष्यों ने तो भगवान को जानवर का भी रूप दे दिया है। कच्छ मच्छ अवतार, वाराह अवतार, परंतु खुद कहते हैं मैंने यह रूप धरे ही नहीं है। बाबा खुद कहते हैं मैं थोड़ी ना ये कच्छ मतलब कछुआ, मच्छ मतलब मछली, तो बाबा ने कहा मैं थोड़े ही ये रूप रखता हूं, मुझे तो नई सृष्टि रचनी है। श्री कृष्ण को सृष्टि नहीं रचनी है, ब्राह्मण कुल को रचने वाला कौन है? ब्राह्मण कुल को रचने वाला शिव बाबा निराकार है, शिव बाबा है। ब्राह्मण कुल को रचने ब्रह्मा, वाला ब्रह्मा, ब्रह्मा के थ्रू शिव बाबा रच रहे। हाँ, ब्रह्मा और श्री कृष्ण में तो बहुत फर्क है, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण रचे गए, श्री कृष्ण के मुख से देवताएं रचे गए, ऐसे तो कहां भी नहीं लिखा हुआ है। अभी तुम बच्चे जानते हो, क्या जानते हो भाई? अभी तुम बच्चे जानते हो, दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसकी बुद्धि में यह हो, जिसकी बुद्धि में यह हो कि निराकार परमात्मा साकार में आकर आत्माओं को ज्ञान देते हैं।
श्री कृष्ण के मुख से, नहीं श्री कृष्ण के मुख से थोड़े ना कुछ रचते हैं, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण। हाँ मतलब कि नहीं बाबा ने, हाँ ब्रह्मा ही श्री कृष्ण बनते हैं ना, संपूर्ण ब्रह्मा। अच्छा तो बाबा कहते हैं ज्ञान लेने वाली भी आत्मा है तो देने वाली भी आत्मा है। अब आधा कल्प से भिन्न भिन्न रूप से मात पिता गुरु गोसाई आदि सब देहधारी एक दो को कुछ ना कुछ मत देते आए हैं। अभी इस समय तुमेव माता सुपिता पर समझाया जाता है, यह महिमा एक की ही गाई जाती है। बाप कहते हैं तुम्हारे जो भी लौकिक माँ बाप बंधु गुरु गोसाई है, क्या करना है इनका, इन सभी की मत को छोड़ो, मैं ही आकर तुम्हारा बाप टीचर गुरु बंधु आदि बनता हूं, मेरी मत पर चलो, मेरी मत में सभी की मत समाई हुई है, इसलिए मुझ एक की मत पर चलना अच्छा है। परमपिता परमात्मा जरूर अभी ही मत देंगे देंगे ना, यह परम आत्मा तुम आत्माओं को मत देते हैं और वह सभी मनुष्य मत देते हैं। वास्तव में तो वह भी आत्माएं ऑर्गन्स द्वारा मत देती हैं, परंतु मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए हैं जो इस राज को नहीं जानते। मतलब वो मत कैसा देंगे, नाम रूप में फंसे हुए कलयुगी मनुष्य। धृतराष्ट्र ने कैसी मत दी दुर्योधन को, टोका टोक, मतलब आप बुरा कर रहे हो, आप कह नहीं रहे, तो मतलब ये भी आपकी सहमति है ना, बच्चा बुरा है, पूरी राह पे चल रहा है, गलत राह पे चल रहा है, और माता पिता टोक नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, मतलब इनडायरेक्टली माता पिता की सहमति है। तो बाबा कहते मनुष्य नाम रूप में फंसे हुए तो इस राज को नहीं जानते। जैसे कहते हैं बुद्ध पार निर्वाण गया, अब बुद्ध तो शरीर का नाम हो गया, वह शरीर तो कहां जाता नहीं, वह कहेंगे फलाना वैकुंठ गया, वह नाम शरीर का लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे कि वह शरीर छोड़ उनकी आत्मा गई, ऐसे कोई जाते ही नहीं। तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, बनेगा तुम समझते हो आत्मा को ही स्वर्ग में जाना है, शरीर तो यही छूट जाएगा। आत्मा कोई स्वर्ग से यहाँ नहीं आती, आते सब परम धाम से है। यह नॉलेज तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम जानते हो इस सृष्टि पर पहले पहले देवी देवताओं की आत्माएं थी जिन्होंने सत्युग में पाठ बजाया। तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का अभी पूरा परिचय है, भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, परंतु मेहनत करनी है। अब देखो आग में पानी को डालो क्या होगा, बुझ जाएगा, पानी में आग को डालो बुझ जाएगा, आग और पानी दोनों इकट्ठे नहीं रह सकते, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि आग पानी को खूब गर्म कर देती है, मतलब पानी अपनी नेचुरल स्टेज को छोड़ देता है, क्यों 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 आग पानी को गर्म कर पाती है, क्योंकि उसमें गर्मी होती है, आग में उसका नेचर है गर्म, डिटेच्ड होता है पानी से आग, दोनों क्या होता है,
डिटेस्ट मींस और दोनों का डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है। आग पानी को गर्म कब कर पाती है? क्योंकि डायरेक्ट कनेक्शन नहीं हो रहा है ना, पानी अलग कंटेनर में है, आग से उसका आग के ऊपर डाला थोड़ी गया उसको, वो अपनी अलग आइडेंटिटी बना के रखा हुआ है। तो जब वो पानी अपनी आइडेंटिटी को भुला के आग के ऊपर जल गिर जाता है, मतलब बलिहार चला गया, तब वो आग को शांत कर सकता है। देखो जब दोनों के बीच में बर्तन आ जाता है, बर्तन आ जाता है, तभी आग पानी को गर्म कर पाती है। हाँ लेकिन कुछ ना कुछ तो चाहिए ना, मतलब जैसे एक आग जल रही है और पानी है, दोनों नहीं होगा ना ऐसे, लेकिन जब आग और पानी के बीच में बर्तन आ जाता है तो पानी अपनी नेचुरल स्टेज को, नेचुरल गुण को छोड़ के गर्म हो जाता है। उसी तरह से जब आत्मा का नेचुरल स्टेज शांति है, नेचुरल गुण प्यार है, जब देह का बर्तन आ जाता है, देह अभिमान का बर्तन आ जाता है, तो विकार अटैक करते हैं। विकारों के अटैक, जब विकार अटैक करते हैं तो आत्मा का जो नेचुरल गुण है शांति, तो वो गर्म, क्रोध, लोभ, अहंकार, मोह। तो इसलिए बाबा सबसे पहले पहले क्या कहता है विकारों को छोड़ने के लिए, सबसे पहला ये बर्तन को भूलो। देह अभिमान है तो नेचुरल स्टेज से हम, मतलब आग लग जाती है, दोनों के बीच में बर्तन आ गया ना, इसलिए सबसे पहले पहले ये बर्तन जो बॉडी कॉन्शियस है उसको हटाओ। तो बाबा यही कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि में आत्मा और परमात्मा का पूरा परिचय है, भल तुम घड़ी घड़ी भूल जाते हो, देह अभिमान में आ जाते हो, इसलिए मेहनत करनी है देह को भूलने की। माया ऐसी है जो पुरुषार्थ करने नहीं देती, खुद भी सुस्त है। बाबा माया को कह रहे हैं आज, माया खुद भी सुस्त है, तो माया और ही सुस्त बना देती है। नहीं, बाबा माया को सुस्त नहीं कह रहे, खुद भी सुस्त है ना, खुद ऑलरेडी पहले से संस्कार सुस्ती का है, आलस का है, माया आती तो और ज्यादा लेजी हो जाते। विश्व का मालिक खुद बैठ पढ़ाते हैं, जिसमें मात पिता, बंधु, सखा, गुरु आदि सभी संबंधों की ताकत आ जाती है। यह महिमा है ही एक निराकार परमात्मा की, परंतु मनुष्य समझते नहीं। लक्ष्मी, नारायण आदि सबके आगे जाकर महिमा गाते रहते हैं, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। बाबा कहते हैं ये महिमा है ही एक निराकार शिव बाबा परम पिता की। तुम जानते हो हम आत्माएं 84 जन्मों का चक्र लगाकर आई है, अब यह अंतिम जन्म है, यह घड़ी घड़ी तुम्हारी बुद्धि में याद रहना चाहिए कि अब यह अंतिम जन्म है। यह नॉलेज बड़ी खुशी की है, ऐसा बेहद का बाप स्वयं तुम बच्चों के और कोई को मिलता नहीं है। अभी कोर्स चल रहा है तो सुपर एडवांस क्लास की मुरलियां चल रही है, इतनी डेप्थ है उन मुरलियों में। मैंने उसको पूछा, बहन को, मैंने कहा अच्छा बताओ अभी तक जितना सुना क्या ऐसा ज्ञान कभी पहले सुना था? कहती नहीं, उसने बहुत शास्त्र वगैरह पढ़े हुए। मैंने कहा कहीं ये ज्ञान लिखा है, कहीं ये ज्ञान सुना है? तो उसने कहा भगवद गीता में भी इतना डेप्थ नहीं है जितनी बाबा की मुरलियों में है। तो इससे क्या समझ में आता है कि यहाँ पढ़ाने वाला कोई मनुष्य नहीं है,
कई लोग बहुत आर्ग्यूमेंट करते हैं, तो उनको हम बता सकते हैं ये ज्ञान, ये जो नॉलेज है कितना डेप्थ उसमें, कैसे आपके जो अष्ट रत्न 108, 16,000, 9,00,000 किस आधार पर नंबर बनते हैं, वर्तमान में हर एक का ऐसा क्या पुरुषार्थ होगा जो वहां पे ये डिवीजन होगा, ये अंतर होगा, कितना डेप्थ, किस कहीं पे भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं कौन पढ़ाते हैं तुमको, विश्व का मालिक बैठ आकर के समझाते हैं। दुनिया तो समझती है श्री कृष्ण आएगा, परंतु तुम जानते हो परम पिता परमात्मा आया हुआ है, जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। उनका नाम वास्तव में रुद्र है, यह बड़े से बड़ी भूल है। जब यह समझे कि वह बेहद का बाप सारी सृष्टि का रचयिता है, तो खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे बाप से तो जरूर वर्षा मिलेगा, श्री कृष्ण से तो वर्षा मिल ना सके। इन बातों पर भी किसकी बुद्धि नहीं चलती। दुनिया तो सारी शूद्र संप्रदाय है, ब्राह्मण भी सिर्फ कहलाने मात्र है। तुम ब्राह्मण जब विचार सागर मंथन करो, तब औरों को भी परिचय दे सको। श्री कृष्ण को तो सब जानते हैं, सिर्फ कोई कहते राधे कृष्ण स्वर्ग के हैं, कोई फिर द्वापर में ठोक देते, यह भी मूंछ कर दी है। ईश्वर तो ज्ञान का सागर है, तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही यह ज्ञान आ सकता है। तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही यह ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया, भल गाते भी है पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं है। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं है। वो अभी प्रेसिडेंट आए थे ना, वो भी यही कह रहे थे ना, मेरे को मधुबन में एक बहन मिली थी, तो वो कह रही थी जो प्रेसिडेंट बने हैं ना, ये हमारे साथ आदिवासी एरिया में जो माउंट आबू के पास वहां पे है, वहां पे सेवा करने जाते थे। मतलब जब ये गवर्नर भी नहीं थे और प्रेसिडेंट भी नहीं थे, तब जैसे घर के ऐसे साथ में सेवा करने के लिए जाते, तो कहते हम लोगों ने, मैं और वो बैठ के चार पांच लोगों को ऐसे ज्ञान सुनाते थे, कोर्स कराते थे, मुरली सुनाते, ऐसे कहते कि हम लोगों ने गांव गांव की बहुत मिलके सेवा की। देखो कहां से कहां, बाबा किस बाबा को किससे क्या सेवा लेनी होती है, ये तो बाबा के ही हाथ में चाबी है। बस बाबा क्या कहता है, अपने आप को तैयार रखो। तो हम सबको फल बहुत अच्छा मिलता है। तो बाबा कहते तुम ईश्वरी संप्रदाय, हाँ तुम ईश्वरी संप्रदाय में ही ज्ञान आ सकता है। आसुरी संप्रदाय में ज्ञान कहाँ से आया, भल गाते भी हैं पतित पावन, परंतु अपने को पतित समझते नहीं। स्वर्ग को तो बिल्कुल जानते ही नहीं, सिर्फ नाम मात्र कहते हैं। यह भी नहीं समझते हैं कि देवताएं स्वर्गवासी हैं। तुम जब समझाते हो तब आंखें खुलती हैं। माया ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी, अभी तो खुल गई ना हमारी आंखें, कर दी थी बंद, अभी तो खुल गई है। माया ने तुम्हारी आंखें बंद कर दी। प्राचीन भारत स्वर्ग था, लक्ष्मी नारायण का राज्य था, यह भी नहीं जानते, हम भी नहीं जानते थे। यह तो समझ सकते हैं कि अन्य धर्म तो बाद में आए हैं, देवताओं के समय यह धर्म नहीं थे, तो जरूर वहां सुख ही सुख होगा। बाप बच्चों को रचते ही हैं, बाप बच्चों को रचते ही हैं, क्यों, सुख के लिए ना। बाबा ने हमें हमारा सिलेक्शन किया ही है हमें सुख देने के लिए।
ऐसे नहीं सुख दुख दोनों देते, सुख देते हैं बाबा। लौकिक बाप भी बच्चा मांगता है तो उनको धन संपत्ति देने लिए, ना कि दुख देने लिए। यह तो अभी हम समझाते हैं कि द्वापर से लेकर लौकिक बाप भी दुख ही देते आए हैं, क्योंकि उनके पास खुद दुख है, दुख की दुनिया है, तो देंगे भी दुख। सत्युग त्रेता में तो दुख नहीं देते, यहाँ माँ बाप प्यार तो बहुत करते हैं, परंतु उनको फिर काम कटारी नीचे डाल देते हैं, तो दुख आरंभ हो जाता है। सत्युग में तो ऐसे नहीं होता, पापा ने कहा सत्युग में तो ऐसे नहीं होता, वहां तो दुख की बात नहीं। यह बाप बैठ समझाते हैं, तुम्हारे में भी नंबर वार समझते हैं, तुम्हारा यह ज्ञान योग से ऑपरेशन हो रहा है। हाँ, आज बाबा ने बच्चों को नई जगह बिठाया। कभी बाबा कहते हैं मैं हॉस्पिटल, कभी बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी में बैठे हो तुम, कभी स्कूल में बैठे हो, आज आईसीयू में, ऑपरेशन थिएटर में। हाँ, ज्ञान योग से तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है, परंतु कोई का सक्सेसफुल होता है और कोई का नहीं होता है। जैसे आंखों का ऑपरेशन कराते हैं तो कोई की ठीक हो जाती है, कोई में थोड़ी खराबी रह जाती है, कोई की आंखें बिल्कुल खराब हो जाती है। तुमको भी अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है, तो बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। समझ में आ गया, ये भगवान है, बुद्धि रूपी नेत्र खुल जाता है तो बाबा ने कहा अच्छा पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। कोई का पूरा नहीं खुलता है तो धारणा नहीं होती है, फिर दैवी चलन भी नहीं होती है, फिर माया के तूफान में भी घड़ी घड़ी गिरते रहते हैं। एक तरफ है 21 जन्मों का सुख देने वाला उस्ताद और दूसरे तरफ है दुख देने वाला रावण। बताओ किस तरफ जाना है ना? हाँ, आ चुके ना अब तो। उसे भी उस्ताद कहेंगे, रावण को भी उस्ताद कहेंगे। बाप कहते हैं मैं तो कोई को दुख नहीं देता, मैं तो सुख देने वाला नामी ग्रामी हूं। सत्युग त्रेता में सब सुखी है, सुख देने वाला और है। यह भी किसको पता नहीं है कि रावण राज कब आरंभ होता है। आधा कल्प राम राज्य और आधा कल्प रावण राज्य। यह है राम राज्य और रावण राज्य की कहानी। परंतु यह भी कोई की बुद्धि में मुश्किल बैठता है। कोई तो बिल्कुल जड़ जड़ी भूत अवस्था में है, जो कुछ भी नहीं समझते है। जितना मनुष्य पढ़ते हैं उतना मैनर्स भी आते हैं। जितना पढ़ते हैं बने का उतना मैनर्स भी आते हैं। दबदबा रहता है हमारा, फिर गुप्त दबदबा है। आंतरिक नारायणी नशा चढ़ा होगा तो वर्णन भी करेंगे और औरों को समझाएंगे भी। नशा चढ़ा होगा ना तो वर्णन भी करेंगे औरों को समझाएंगे भी। यह पढ़ाई तो राजाओं का राजा बनाने वाली है। कांग्रेसी लोग तो राजाओं का नाम सुनकर गर्म हो जाते, क्योंकि पिछाड़ी के राजाएं ऐशी बन गए थे, मतलब ऐशो आराम में चले गए थे। परंतु यह भूल गए हैं कि आदि सनातन देवी देवताएं राजा रानी थे। अभी तुम फिर बाप से शक्ति ले, 21 पीढ़ी राज्य भाग्य लो। यह सत्य नारायण की कथा तो मशहूर है,
परंतु विद्वान आचार्य भी नहीं जानते ना। बाबा कहते हैं सत्य नारायण की कथा मशहूर है, परंतु विद्वान आचार्य भी इस कथा को नहीं जानते। जिनके बड़े बड़े टाइटल रखते हैं ना, वो भी इस सत्य कथा को नहीं जानते। गीता का कितना आडंबर बनाया है, लाखों सुनते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। अब इन विचारों को कौन सुजाग करे, या तुम बच्चों का काम है उनको सुजाग कर। भी देखो आ रही ना शिवरात्रि, कल ही तो है, बाबा ने होमवर्क दे दिया ना, कल एग्जीबिशन में जाएंगे ना, तो मौका है सुजाग करने का। तो बाबा कहते हैं अब तुम्हारा काम है उन्हों को सुजाग करना, यह तुम बच्चों का काम है, परंतु बहुत थोड़े बच्चे हैं जो औरों को सुजाग कर सकते हैं। जो जितना आप समान बनाएंगे उतना पद भी ऊंच पाएंगे। बाप कहते हैं बीती सो बीती, देखो ड्रामा में ऐसा था। आगे के लिए पुरुषार्थ अपना चार्ट देखो, इतने समय में हमने क्या धारणा की है। अब कोई 25-30 वर्ष के हैं, कोई एक मास, कोई 7 रोज के बच्चे हैं, कोई 25-30, कोई एक मास, कोई 7 रोज के बच्चे, परंतु 15-20 वर्ष वालों से गैलप कर रहे हैं। अंडर है ना, ये तो पढ़ाई है ना। या तो कहेंगे माया प्रबल है, या तो ड्रामा पर रखेंगे। परंतु ड्रामा पर रखने से पुरुषार्थ ठंडा हो जाता है, समझते हैं हमारे भाग्य में नहीं है। वो लोग सोचते हैं हमारे भाग्य में नहीं है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं, ये थोड़ी ना सोचना है कि हमारे भाग्य में नहीं है। नहीं, पुरुषार्थ करेंगे तो मिलेगा ना, करने से ही तो मिलता है ना। पुरुषार्थ बड़ा या भाग्य, पुरुषार्थ कर्म बड़ा है। तुम सब कौन हो, अभी बाबा ने बहुत अच्छा टाइटल दिया है, तुम सब कौन हो बताओ। राजयोगी, और तुम सब लकी स्टार्स हो। कहते ना हम लकी स्टार, तो बाबा कहते तुम सब लकी स्टार्स हो। तुम्हारी भेंट ऊपर के स्टार से की जाती है, तुम सृष्टि के सितारे हो। वह तो सिर्फ रोशनी देते हैं, और तुम क्या करते हो, तुम तो मनुष्यों को जगाने की सेवा करते हो। तो लकी स्टार्स, दुखियों को सुखी बनाते हो। मनुष्य इन सितारों को नक्षत्र देवता कहते हैं, सच्चे देवता तो तुम बनते हो। इन सितारों को देवता कहते हो क्योंकि वह ऊपर रहते हैं, परंतु देवताएं कोई ऊपर नहीं रहते, रहते तो इसी सृष्टि पर हैं, परंतु मनुष्यों से ऊंच जरूर है, सबको सुख देते हैं। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े लकी स्टार कहेंगे। जो एक दो को दुख देते हैं उनको थोड़े लकी स्टार कहेंगे। लकी और अनलकी इस समय है। जो आप समान बनाते हैं उन्हें लकी कहेंगे, जो सिर्फ सोते और खाते हैं उनको अनलकी कहेंगे। सोते और खाते अनलकी कहेंगे। स्कूल में भी ऐसे होता है, यह भी पढ़ाई है, बुद्धि से काम लेना पड़ता है। राधे कृष्ण को 16 कला लकी कहेंगे, और राम सीता 2 कला कम हो गए। सबसे नंबर 1 लकी यह लक्ष्मी नारायण है, वह भी इस पढ़ाई से ऐसे बने हैं। पुरुषार्थ में कमी करने से
अनलकी बन पड़ते हैं। तुमको तो बाप खुद पढ़ाते हैं, तुम स्टूडेंट ही गोप गोपियां हो। वास्तव में यह अक्षर सतयुग से निकला है, जब वहां प्रिंस प्रिंसेस खेल पाल करते हैं तो प्रिय नाम गोप गोपियां रखा है। श्री कृष्ण के साथ दिखाते हैं, बड़े हो जाते हैं तो गोप गोपियां नहीं कहा जाता है, होंगे तो सभी प्रिंस ना, कोई दास दासियां व बाहर के गांवड़े के लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना, जो प्रिंस प्रिंसेस हैं वो बाहर के गांवड़े लोगों से तो नहीं खेलेंगे ना, महल में बाहर वाले तो आ ना सके। श्री कृष्ण बाहर जमुना आदि पर नहीं जाते हैं, अपने महल में ही अंदर खेलते हैं। भागवत में तो कई फालतू बातें बैठ लिखी हुई है, मटकी फोड़ी आदि, अब आप कहते कुछ भी नहीं, वहां तो बड़े कायदे हैं। सत्युग में सोचो मटकी फोड़े, तो बाबा कहते वहां तो बड़े कायदे हैं। तो बाप कितना समझाते हैं, कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो, इस समय तुमको सुख ही सुख मिलता है, उनकी कितनी महिमा है, सबके दुख कैंसिल कराए, सभी को सुख देते। कहते हैं मामे कम याद करो, यह बाप आकर ना पढ़ाते, यह बाप आकर ना पढ़ाते तो हम क्या पढ़ सकते, बताओ। हाँ, कोई और की ताकत होती है हमें सुधारने की? तो बाबा कहते हैं हमें ऐसा ही टीचर चाहिए शिव बाबा जैसा जो हमें पढ़ाए। तो बाबा कहते ये बाप ना पढ़ाते तो क्या हम पढ़ सकते, नहीं, ये मोस्ट लवली बाप है, सबसे अच्छी मत देते हैं, मन मनावा। मुझे याद करो, स्वर्ग को याद करो, चक्र को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। तीन बातों को याद करना है आज, शिव बाबा को, चक्र को और स्वर्ग को याद करो, इसमें सारा ज्ञान आ जाता है। वह तो सिर्फ विष्णु को सुदर्शन चक्र दिखाते हैं, परंतु अर्थ का पता नहीं। हम अभी जानते हैं कि शंख है ज्ञान का, जो निराकार पाप देते हैं, विष्णु थोड़े ही देते हैं, और देते हैं मनुष्यों को, जो फिर देवता अथवा विष्णु बनते हैं। इतना मीठा ज्ञान है तो कितना खुशी से बाप को याद करना चाहिए, कितना मीठा ज्ञान है तो कितना खुशी से बाबा को याद करना चाहिए। अच्छा, आज बिल्कुल अलग याद प्यार है, कल भी था। हाँ, मीठे मीठे सिकी लधे ब्राह्मण कुल भूषण सुदर्शन चक्रधारी बच्चों को याद प्यार, परंतु बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते बहुत थोड़ा है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। हाँ, जरूर फिराते, आपने कई बार ये अटेंशन दिलाया ना, कई बच्चे सुदर्शन चक्र चलाते ही नहीं है, कोई तो बिल्कुल नहीं फिराते। बाप तो रोज कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी बच्चे, यह भी आशीर्वाद मिलती है। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद करो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार, फर्स्ट पॉइंट, एक बाप की मत में बाप टीचर गुरु बंधु आदि की सब मते समाई हुई है। बाप टीचर
गुरु बंधु आदि की सब मते समाई हुई है। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। इसलिए उनकी मत पर ही चलना है, मनुष्य मत पर नहीं। सेकंड पॉइंट, बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। बीती को बीती कर पुरुषार्थ में गैलप करना है। ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है, ड्रामा कहकर ठंडा नहीं होना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है, आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, शांति की शक्ति द्वारा सर्व को आकर्षित करने वाले मास्टर शांति देवा भव। डिटेल, जैसे वाणी द्वारा सेवा करने का तरीका आ गया है, ऐसे अब शांति का तीर चलाओ। इस शांति की शक्ति द्वारा रेत में भी हरियाली कर सकते हो। कितना भी कड़ा पहाड़ हो, उसमें भी पानी निकाल सकते हो। इस शांति की महान शक्ति को संकल्प, बोल और कर्म में प्रैक्टिकल लाओ तो मास्टर शांति देवा बन जाएंगे। फिर शांति की किरणें विश्व की सर्व आत्माओं को शांति के अनुभूति की तरफ आकर्षित करेंगे और आप शांति के चुंबक बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन, आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। आत्म अभिमानी स्थिति का व्रत धारण कर लो तो वृत्तियां परिवर्तन हो जाएंगी। व्यक्ति सारे, आप सबका पहला व्रत व प्रतिज्ञा है क्या कि मन वाणी और कर्म में पवित्र रहेंगे। एक बाप दूसरा ना कोई, यह व्रत सभी ने लिया है तो सदैव इस व्रत को स्मृति में रखो। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल नहीं होगी। प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों वश नहीं होंगे। स्मृति से कभी वृत्ति चंचल नहीं होगी, फिर प्रवृत्ति, परिस्थिति व प्रकृति के कोई भी विघ्नों वश नहीं होंगे। अच्छा, ओम शांति। दीदी आ गए, होमवर्क बताएंगे।